स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। बता दें जम्मू में मतदान से एक दिन पहले धारा 144 लागू। जम्मू में आगामी लोकसभा के दूसरे चरण से पहले कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण दिया है। कहा कि कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी से 15% आरक्षण काट देगी और धर्म आधारित दिया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी 5 सीट से जीत हासिल करेगी। जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी में छात्रों के लिए बनाया गया स्विमिंग पूल, छात्रों में इसे लेकर काफी खुशी देखी गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए खुला है, लोगों से अपील है कि वो लेन डिसिप्लिन का पालन करें। जम्मू कश्मीर में धूप निकलने से तापमान में दर्ज की गई बढ़ोतरी। मौसम विभाग की माने तो कल यानी 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में आमतौर पर छाए रहेंगे बादल। जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी में आज स्विमिंग पूल की ओपनिंग सेरेमनी की गई, छात्रों में दिखी काफी खुशी। स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।